वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। और भाई फिलहाल लाला कहाँ जा रहा है भाई? सुबह लाला आजकल हमारा अलार्म है लाला। अच्छा बोल रहे ना लाला भाई, चौट के लिए गड़को पौटी बना रखी है। ओहो स्कूल में देखो कट कैसे उठ रहे भाई सब। तो फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 10। एंड एक चीज जो मैं आपको कल दिखाना भूल गया था, किराया गौ रक्षा सेवा संस्था की तरफ से। और भाई ये 11-12 तारीख को एक तो है बरसाना और एक है नंदगांव में लठ मार होली। और ये देखो लिख रखा है भाई दोनों भाई का नाम। एंड तो भाई प्लान तो पूरा है जाने का। और भाई कल भाई आए थे रात में, इनविटेशन देके गए थे भाई। तो मतलब हमारा तो प्लान था कहीं और होली पे। मैंने परसों के ब्लॉग में पूछा भी था कि भाई होली में कहाँ जाना चाहिए, बट होली का मैं नहीं पता था, इन्विटेशन हमें घर पे आ जाएगा। तो भाई 11-12 तारीख को हम आ रहे हैं मथुरा और भाई तगड़ी होली खेलने। लठमार होली है भाई, पहले सुना है कभी देखी नहीं है। और भाई चलो देख लेते कैसी होगी लठमार होली है भाई, तगड़ी होगी जिस हिसाब से, क्योंकि मथुरा की और अपना पुष्कर की होली मशहूर होती है। तो भाई फिर तो मज़ा आ जाएगा, मतलब सीरियसली बोलूँ तो काफ़ी तगड़ा मज़ा आने वाला है लठमार होली खेलने में। तो फिलहाल चलते हैं नीचे भाई, और थैंक यू सो मच भाई इन्विटेशन के लिए। तो यहाँ पे आ चुका है अपना प्रोटीन शेक। चले मानसू एयर एक गिलास में ठंडा बात बनेगी मानसू, एक वॉटर। तो भाई फिलहाल तुम्हारा भाई तो लिया नहा। और वैसे आजकल जो मैं नहाने के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये है वाउ स्किन साइंस का कॉफी बाथिंग बार, और ये वाला वेरिएंट है कॉफी वाला। एक्चुअल में इसे यूज करते टाइम ऐसा लगता है कि बॉडी पे आप कॉफी लगा रहे हो, और ये बहुत ही माइल्ड है आपकी स्किन पर। ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है जो कि है 5.5। और मैं ये आपको लिटमस पेपर के थ्रू शो करता हूँ। इस पेपर का आपको करना क्या है, इसको आपको वेट बाथिंग बार पे रखना है एंड देखना इसका कलर चेंज हो जाएगा। स्ट्रिप आपको मिलेगी अपने बाथिंग बार के साथ, और ये आपको वेट बाथिंग बार पे लगा के रखनी है एंड आप देखोगे कि इसका कलर चेंज हो गया है। फिर आप इसे इस मेंशन पीएच स्केल पे मैच कर सकते हो जो कि इस बॉक्स पे दिया गया है 5.5। और ये स्किन फ्रेंडली है, और ये आपकी स्किन को काफी सॉफ्ट एंड सपल फील कराता है, और ये हेल्प करता है आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करने में। ऑल्सो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करने में भी हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है डैमेज स्किन को रिपेयर करने में एंड सपोर्ट करता है स्किन को रीजनरेशन में। और ये बाथिंग बार डीप क्लींजिंग में तो हेल्प करता ही है एंड रेजुनेट करता है स्किन को, एंड साथ ही डल स्किन को रिवाइव करता है एंड आपको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है। और ये बाथिंग बार बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता है। नॉर्मली जैसे कि बाथिंग बार होते हैं वो पानी में जाते गीले हो जाते हैं या फिर सॉफ्ट हो जाते हैं या फिर क्रैक हो जाते हैं, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो अजय20 तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो वेट किसका कर रहे हो, परचेज करो बीवाओ नेचुरली। तो रेडी हो चुके हैं और अभी आपको वेट कर रहा है भारतीय, और इनके साथ जाना है वहाँ पे पीजी पे। मेरे को थोड़ा सा ना ड्रिल मशीन की बिट लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पर लाइट का काम करवाना है, जो कि लाइट वाला वेट कर रहा है उसका काफ़ी टाइम से। अब ट्रिप का सीन क्या था भाई, ट्रिप में क्या ही बोलूँ यार, मैं बोलूँगा फिर आप लोग विश्वास नहीं करोगे। तो सीन ये था कि भाई पहले जाना है कहाँ पे, पीजी पे। वहाँ पर लाइट वाला आ रखा है, लाइट वाले से काम करवाना, देन उसके बाद ट्रिप का प्लान था। तो डैडी ने बोला एक दो दिन रुक जा। राम राम, क्या हाल चाल? आनंद आ रहे, आनंद आ रहे, आनंद आ रहे थे डैडी। एक तो रोड चौड़ा करवाया डैडी, गाड़ी ना घूमे हंस के। कल को मैं और कल को और बड़ी गाड़ी लूंगा, फिर कैसे लिखड़े गाड़ी हो तेरे, रोड खुदवा दे फिर मैं आप करवा दूं। खुदवाना थोड़े ना, चौड़ा करवाना बड़ा। गुप्ता भाई वो दे दिए बिट है, मिल गए। तो फिलहाल आ चुका है बंबू बैम्बू। मैं तेरे साइड बैठा, मेरा मन हुआ गाड़ी चलाने, गाड़ी चला रहे हिमांशु हिमांशु हिमांशु। तो भाई फिलहाल फोन आ चुका है अंकल का। अंकल अंकल कह रहा है भाई जी वेगन लिया तुम्हारा भाई, और नई बट डिलीवरी में जा रहे हैं, कह रहा था आ जा भाई एक बार गाड़ी देख ले और फिर डिसाइड करते क्या करना है। मगर ठीक है भाई, हिमांशु कह रहा है भाई। तो यार मैं हमेशा बोलता हूँ घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का बम्बू कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। हिमांशु है ना भाई, कान में पक तो ना गए हो। सही है भाई, कहा अभी लेक कहानी है। कैसे लगी, कैसे लगी सोसाइटी बता गया, जानते इसने हाथ से कैसे लगे चलान में
फॉर्च्यूनर तो बढ़िया है। अच्छा इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो ज्यादा ना यार इसमें, है ना? ये भाई शो के लिए है भाई, उससे तो बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। किससे? फॉर्च्यूनर से? और 19-20 का फर्क ज्यादा थोड़ा है रेट के हिसाब से। आगे से देखना, आगे से भाई टोरा है, मुत्ता खड़ा लग रहा है सब गाड़ी। सोसाइटी में खड़ी कैसी लग रही है? सोसाइटी में तो ऐसा लग रही है जैसे भाई सब टेम्पो ट्रैवल खड़े हुए। तो भाई कुछ ऐसा इंटीरियर है इस गाड़ी का, मतलब सनरूफ पड़ा नहीं है इसमें, पैनोरमिक सनरूफ ना है बस, है ना? बात है ना, बोले आजकल बता भाई, भाई एक बार बताओ 2 करोड़ वाली फील तो ना अंदर है? मैं कोई पैसा देख बढ़ते नहीं है भाई, पैसा फूकना इसमें मुझे लगा नहीं। देखो मैं तो बैठा भाई, मुझे लगा भाई 1 किला बेच देना चाहिए। 1 किला भी देगा अपनी थाच कौन खट्टी बता। भाई देख ये ना महिंद्रा ले ले, और महिंद्रा में तू पैसा लगा ले 5 लाख रुपए ऊपर से, तेरे लिए वो बेस्ट रहेगा। क्या भाई देखो भाई को पिकअप बताओ भाई को। भाई पिकअप पिकअप तो है नहीं इसमें, बहुत चिकड़ चीज है। थामा कोई करना है नगर पिकअप देखो कैसे है, आवाज है मैं बताना है सकड़ी है। 2 करोड़ रुपया क्या बात कर रहा है यार, 2 करोड़ भाई मेरे मुंह में जुबान नहीं आ रही यार। सुन 2 करोड़ मुझे यही चाहिए अर्जुन भाई, प्लीज दुआ भाई, मां का सुन भाई, सही दुआ करला भाई। चल तो चल पैसा ले, चलो ले गाड़ो वो बनाओ ना। अरे भाई यार दुआ करलाओ यार, मां का मन आ गया इस पे, तेरी कसम भगवान कसम ऐसे ही बता दोगे चलाने में? मजा आ गया भाई, बहुत प्यारी गाड़ी है भाई। तो फिर भाई ठीक है भाई, डन भाई लेके आएंगे फिर। चल भाई चलो दुआ करो, मर्सिडीज वाले से बात करो भी फिर। ये स्टिकर भी चाहिए मुझे एमएलए का, ये तो खुद ही बनाओगे तू, ये तो मांग तो खुद तेरे खुद को आएगा। प्रिंटिंग वाले में लग गया, प्रिंटिंग प्रेस खोल ली। ये जरा साफ जितना होना चाहिए, और कितना लोगे इससे ज्यादा साफ होना चाहिए था कैमरा भाई। ये देखिए ये मारने की प्लानिंग चल रही है माफिया गाड़ी से, उड़ा ही जाना लॉक। कितनी गुड़ तरह बात करी ना भाई, ओके बढ़िया बलेरो से बात है ना। ये देखो इन्हें मारी, देखो भाई आप लोग बताओ ऐसा कैसी लग रही है ये गाड़ी? अच्छी लग रही है बट मुर्गो यार इससे ज्यादा इससे लग रही है। थार बता दी, ओए क्या बताई थार अंकल जी, कौन सी गाड़ी थार बता रहे? थार बता दी मां का, जितने अंकल फ्लैट है उसके महंगे थार ले। अब ले ले अली, नहीं नहीं थार जैसी थार ही अंकल जी, बलेरो ये हूं ये ना, 2 लाख रुपए ऊपर लगा रहा है बलेरो में। तो भाई सामने से देखने के लिए तो ये अच्छी लग रही है मेरे को, और उसकी हाइट ज्यादा है वैसे। चलो भाई यार सुन, चल मैं निकलता हूँ एक बार यार, मिस्त्री काम कर रहा, तू आ रहा ना घर ही फिर? हाँ घर, चल मैं घर जा रहा हूँ ठीक है। तो भाई फिलहाल निकल लिया यहाँ से, और भाई नो डाउट गाड़ी अच्छी है, मैं तो मजाक कर रहा था भाई 2 करोड़ रुपए के हिसाब से, पर मुझे नहीं लगी अभी भी बोल रहा हूँ। बट हाँ इसके जो इतने फीचर्स नहीं है ठीक है यार, मतलब सबकी अपनी भी पसंद होती है, और वैसे तो ये भी 45 लाख रुपए के हिसाब से लोगों को ये भी अच्छी लगती, बट ठीक है वो गाड़ी अलग है उसका क्लास है। घर पे भाई काम कर रहा है, मिस्त्री काम चल रहा है घर पे। आज का दिन तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा वैसा रहा है। क्या हाल है? आ रहा हूँ जिम मैं, तो भाई उसके बाद अब जिम भी आना है। सर बताओ मेरे दर्द होने लग गया आज पैर में, मतलब पूरे दिन से खड़ा ही हो यार। और मैंने हिमांशु को बोला था, हिमांशु कॉफी ले आना अपने लिए, लेके आ गया मेरे लिए नहीं लेके आया, और सनसेट देख के प्यार हो रहा है। तो भाई फिलहाल अभी मैं चला रहा हूँ BMW X5, और ये भाई लेके आए थे सर मारा भाई कैमरे का गाड़ी में थे भाई यार, मतलब सच बताऊँ ना इसका पिकअप जो है इसमें जो फॉर्ड है भाई, ये तो मतलब आज जी वैगन चलाई थी ना उससे तो भाई बहुत तगड़ा पिकअप इसका था X5 का। नहीं इतना तो नहीं है जितना इसमें था ना भाई, दिखाऊँ मैं अभी कितना बस लुक है यार भाई जी वैगन गाड़ी लिया है देखना भाई। और भाई इसका ना गियर शिफ्ट तक नहीं पता लग रहा है कब में गियर शिफ्ट हो रहा है, लग रही है। हाँ वो टाइट हो जाता है ना सस्पेंशन इसका, कंफर्ट में करना इसको अच्छा उठ जाएगा थोड़ी सी। और इसमें और कौन सा है, अडैप्टिव क्या है? ऑटोमेटिक है वो, ये पेडल शिफ्टर है।
पैडल शिफ्ट है, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट, मतलब जैसे गद्दे में आप जाते हुए ऊपर नीचे खुद होती है। ओके, रोड के हिसाब से, रोड के हिसाब से अपना आप अपना आप चलेगा। और भाई दो साल हो गए, दो साल में 10,000 किलोमीटर ना चली पूरी तरह, लेकिन जब पहली सर्विस ना करवाई लगाए वो तो। तो भाई फिलहाल एलविश भी आ चुका है और ये गाड़ी, अभी टाइम क्या हो रहा है, 7 बज लिए, पर मैं सो गया था वहाँ से आया था और मैं आपके एक झपकी ली बहुत तगड़ी सी, फिर भाई घर वाले बोले कि कोई मिलने आ रहा है। तो भाई फिलहाल क्या सर गुरु जी, भाई कैसे रही? बढ़िया रही भाई, घर वाले कह दिया आंटी ने कही जाके, पहली बात तो आंटी याद तो बचाया क्या रेखेंगे बैठो, ये बहकारे छोरा नुकर 2 करोड़ रुपए लगा दे भाई, आंटी बिल्कुल नु कह रहे हैं के क्या नुकर भाई, जब आप चलोगे ना वाइट टी शर्ट पहन के और ये चश्मे लगा के, मैं फ्लैट पे पहुंचा छोरा बहकान लग रहे वहां टाइम, मैंने कही हो तो बता दो, फॉर्च्यूनर तो फिर भी बढ़िया, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए फूकड़े को तू क्या भाई, आंटी बिल्कुल बता रहा हूँ क्लियर, जब आप डिफेंडर में फूकोगे तब भाई मैं लेके ना रहा हूँ, कंपनी की मर्जी मत देखो भाई, हमें अपना पैसे जमा कर रखना चाहिए भाई, मैं तो देखो जाकर खुद लेकर आएगा, जाकर तो खुद लेकर आएगा ना, हम तो डी क्लास है, अगर अच्छा मेरी बात, हम रेयर आदमी है सारे, जी वैगन रेयर, रेयर आदमी रेयर गाड़ी चला, देख लो भाई तू तू ठार लिया अच्छा, और तू एक वाली अपनी है, गाड़ी लेकर फिर भीड़ भड़कम चलाने में, जब तो मजा आता 2 करोड़ रुपया हवा में गए और हूं उतर गए, सही बात है, ये बात कही, ये रहे दिमाग, भाई वाह मान गए, देख दोनों जाट पर एक जान सही कह रहा है, एक साल पहले हमने भी लगाए, हमारा ना बनेगा कुछ, हमने तो ऑडियो खरीदा था, सारे नुकसान में चले, तूने इसलिए कहने का खरीदा था ना, नहीं दबा दे काम कर, आंटी ध्यान रखियो जान तड़ी पकड़ ले दोनों ने, कल पहुंच चुके भाई जिम में और अब करते हैं चेस्ट एक्सरसाइज, मैं तो घूमने लगे थे जिम तो छोड़नी चाहिए, जिम तो करे बनी, तो भाई एक्सरसाइज हो चुकी कंप्लीट, ये नस नस निकल रही है, पेट कम करना, अब हेल्थ तो नहीं निकाले पर पेट कम करना है, तो भाई फिलहाल एक बार लेने आ गए सैंडविच का सामान और पीनट बटर, ये सब चीज ब्रेड ब्रेड, अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसमें घंटा, तो पीनट बटर ढूंढने लग जाएंगे, भगदौड़ के लिए सामान भी भाई साहब निबंध कर रहे, कह रहे भाई लास्ट आ रहा है, मैं भाई कैसे नहीं कैसे करके दे दे यार, मुश्किल से एंट्री करने दिए भाई, घर जा रहे थे और बेफालतू का ना तुमने मेरा 700 रुपए जुड़वा दिए, अंडा नहीं लाया यार सॉरी। तो भाई फिलहाल मैंने बना लिया है भाई सैंडविच, व्लॉग नहीं बनाया बट हाँ बना लिया है, कुछ हिमांशु ने हेल्प की कुछ और ने, खाने में तो लग रहा है अच्छा है और टेस्टी भी है भाई, बाकी तड़की पता लगेगा कोई दिक्कत ना हुई तो, पर अपने छाछ कौन खट्टी बतावे ये तो है ही।